हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल दही चूड़ा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, बस इसके मनाने का तरीका व नाम अलग अलग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दही चूड़ा बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसके कुछ इन्ग्रीडियंट्स के बारे में। यहाँ पर हमने एक कप पोहा लिया हुआ है, इसको आप पोहा, चूड़ा या चूरा भी बोल सकते हैं। ये आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। चूड़ा मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। दही हम लेंगे, दही मीठा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब ताज़ा होना चाहिए। और यहाँ पर हम 4 बड़े चम्मच इस्तेमाल करेंगे दही। दही खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। दही में प्रोटीन विटामिन भी बहुत अच्छे मात्रा में होता है। दही पाचन तंत्र को मजबूत भी करता है। और यहाँ पर लेंगे स्वादानुसार गुड़, या तो आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 20 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है और इसको हम बहुत ज़्यादा बारीक कर लेंगे। 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर लेंगे और यहाँ पर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स को। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने काजू, बादाम, किशमिश, तेल मखाना, पिस्ता और अखरोट को लिया हुआ है। इन सभी ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूड़ा यानी कि पोहा को पहले वाश करेंगे एक पानी से। इसको हाथों से थोड़ा सा ऐसे मलकर साफ कर लेंगे, लेकिन इसे बहुत देर तक हमें वाश करके नहीं छोड़ना है। इसे बस 2 मिनट या 3 मिनट ही रखना है। देखिए, ये हमने इसको धुल लिया है। अब फटाफट से बना लेते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें 4 चम्मच दही को डालेंगे। हमने 4 चम्मच दही ले लिया है। अब उसके बाद डालेंगे इसमें हम इलायची पाउडर और सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे गुड़ और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और बस अच्छे से मिक्स करेंगे। जब चूड़ा दही बन जाता है तो चूड़ा सारे दही को सोख लेता है, बाद में ज़्यादा ठीक हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा पानी का यूज किया है। आप चाहें तो दही का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चूड़ा जो हमने भिंगो कर रखा है, उसको डाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड, दही और चूड़े को और ये सभी सामग्री को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, ये सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। और बस इनके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। दही चूड़ा मकर संक्रांति के दिन तो जरूर बनती है फ्रेंड्स। इस बार इस तरह से आप ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको दही चूड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।